बाहर की गंदगी से मेरा घर गंदा नहीं होगा। ये लड़की यहाँ नहीं रहेगी। क्या करेंगे? तुम्हारे घर वाले तो मुझे घर से बाहर निकाल लेंगे। डोंट वरी सिद्धार्थ। डोंट वरी मैं कुछ। सिद्धार्थ तुम मोहिनी के साथ रुको, मैं डॉक्टर को बुलाकर आती हूँ। डॉक्टर? आई मीन डॉक्टर की क्या जरूरत है? स्ट्रेस की वजह से चक्कर आ गए होंगे। थोड़ा रेस्ट करेगी ठीक हो जाएगी। तुम क्या कह रहे हो? मोहिनी प्रेग्नेंट है, बात सीरियस भी हो सकती है। मैं हमारे फैमिली डॉक्टर को बुला कर आती हूँ, एक बार वो आके चेक कर ले कि मोहिनी और उसका बच्चा ठीक है कि नहीं। फैमिली डॉक्टर आएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, हमारी पोल खुल जाएगी। माँ मैंने इन्हें मोहिनी का चेकअप कराने के लिए बुलाया है। जी डॉक्टर साहब, मोहिनी प्रेग्नेंट है, अच्छे से चेकअप कीजिएगा उसका। पता नहीं अंदर क्या हो रहा है, डॉक्टर ने चेक किया तो 2 मिनट में समझ जाएगा कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। मोहिनी की पोल खुलेगी, साथ में मेरा सेट भी फंस जाएगा। आइए सर, वो अपने कमरे में ही है। रुको कृष्णा। प्रिया तुम डॉक्टर साहब को मोहिनी के कमरे में लेके जाओ। नहीं नहीं, पिया क्यों लेके जाएगी? उसको क्या समझ आएगा, डॉक्टर क्या बताएंगे? मैं हूं ना, मैं लेकर जाती हूं इन्हें। आई सच सच बताओ, तुम दोनों ने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? ये मोहिनी तो बेवकूफ है, तू तो अक्लमंद है। फैमिली डॉक्टर को कौन बुलाता है? ये झूठ थोड़ी बोलेगा हमारे लिए। रिलैक्स मॉम, रिलैक्स। लगता है आप लोगों को कोई गलतफहमी है, ये प्रेग्नेंट नहीं है। बोलो क्यों छुपाया मुझसे? माँ वो क्या? वो माँ कृष्णा तुम भूल गई? सच उगते सूरज की तरह होता है और झूठ काली रात की तरह। काली रात चाहे जितनी भी लंबी हो, सच के उगते सूरज को नहीं रोक सकती। वो सॉरी माँ, आपसे छुपाना पड़ा। हमें पता था कि आपको बुरा लगता है, इसीलिए हमने किसी को नहीं बताया। और हमने सोचा था कि एक बार मोहिनी का बॉयफ्रेंड मिल जाए फिर सबको बताएंगे। पर वैसे भी मुझे लगता है कि मोहिनी को फिलहाल हमारी मदद की जरूरत है। क्यों कृष्णा क्यों? जाने दो ना उसे, छोड़ दो। वो वापस लंदन जाए, उसे जो करना है वो करे। राशि बिल्कुल ठीक कह रही है, एक बिन ब्याही माँ की जिम्मेदारी उठाना कोई आसान बात नहीं। कोई भी ऊंच नीच हो जाए तो हमारे परिवार की बदनामी हो जाएगी। कल को इसने हम पर इल्जाम लगा दिया तो हम क्या करेंगे? कृष्णा अगर बात बच्चे की है तो हम मोहिनी से उसका बच्चा ले लेंगे, हम सब मिलकर उसको बड़ा करेंगे। हाँ फिर मोहिनी जहाँ चाहे जैसे चाहे अपनी जिंदगी जी सकती है। ए, चुप, बिल्कुल चुप। बच्चे हो तुम लोग, इस मैटर में तुम लोग कुछ ना ही बोलो तो बेहतर होगा। और ईशा तुम ये बात कैसे बोल सकती हो? तुम तो खुद माँ बनने वाली हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए ना कि एक माँ के लिए उसका बच्चा उसकी जान से भी बढ़कर होता है। तो ऐसे में मोहिनी अपना बच्चा क्यों देगी किसी को, है ना मोहिनी? अरे आप मुझसे क्या पूछ रही है? मैं कौन सा सच में माँ बनने वाली हूँ?
मुझे तो बस कृष्णा और आर्यमन को अलग करना है और सिर से शादी करनी है, ना कि आर्यमन से। पर यहाँ तो सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। त्रिजिला आंटी सही कह रही है, मुझे अपना बच्चा किसी को नहीं देना और मुझे आर्यमन से भी शादी नहीं करनी है। आई मीन मुझे कृष्णा दीदी का घर नहीं तोड़ना, ये दोनों कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से। मैं तो ऑलरेडी खुद को माफ नहीं कर पा रही हूँ इन दोनों के बीच में आने के लिए, और अब आर्यमन से शादी करके इन दोनों की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। ये ऐसे देवी बनने का नाटक क्यों कर रही है? तूने इसे ठीक से प्लान समझाया नहीं क्या? इसको बोल दे बहुत मुश्किल से आर्यमन को घर से बाहर निकालने का मौका मिला है, क्यों फर्जी देवी बनके इस मौके को खराब ना करे, बोल कुछ। ओ हेलो, ये तुम्हें इतनी बड़ी गलती करने से पहले सोचना चाहिए था। अब जब कर दिया काम शैतान का तो अब महान मत बनो, क्योंकि अब ये सिर्फ आर्यमन के बारे में नहीं पूरे परिवार के बारे में। आप लोगों ने सोचा है कभी जब ये न्यूज बाहर आएगी तो क्या होगा हमारी फैमिली का, कितनी बदनामी होगी हमारी? अब जब आर्यमन के नाजायज बच्चे की बात बाहर आएगी तो हमारा बिजनेस तो पूरी तरह क्रैश ही हो जाएगा ना। कुंदन, मुझे लगता है कि हमें आर्यमन को सीईओ की पोस्ट से निकालकर सिद्धार्थ को सीईओ बना देना चाहिए। अगर उसके बाद ये न्यूज बाहर फैली तो हम कह सकते हैं ना कि हमने आर्यमन से हमारे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, और उसके बाद उसने जो किया उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। सिंपल। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा आर्यमन कि तुम हमेशा हमारे परिवार, हमारे खानदान, हमारे बिजनेस को बर्बाद करने के लिए क्यों उसका कारण बनते हो। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी इस हरकत से तुम्हारा फ्यूचर, हमारी मार्केट रेपुटेशन सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब जो होना था हो गया है, वो अब हमें ये देखना चाहिए कि हम इस घर के और मोहिनी की इज्जत कैसे बचाए। मोहिनी तुम चिंता मत करो, तुम इसी घर में रहोगी और आर्यमन सर तुमसे शादी करेंगे और तुम्हारे बच्चे को अपना नाम देंगे। तुम घबराओ मत, जब तक ना तुम माँ बन जाती मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मुझे सिद्धार्थ से बात करनी होगी, मैं आर्यमन से शादी नहीं कर सकती, और अगर कृष्णा भी हर पल मेरे साथ रहेगी तो आज नहीं तो कल सारा सच जान ही जाएगी। आप क्यों परेशान हो रहे हो मॉम? मैंने बोला है ना मैं करूंगा मोहिनी से बात। तू हमेशा उसकी साइड क्यों लेता है? कहीं तो मोहिनी को पसंद तो नहीं करने लग गया? नो, नॉट एट ऑल। क्यों करूँ मैं उसे पसंद? आपको पता है ना, शी इज नॉट इवन माय टाइप। मैं तो बस उसे अपना मकसद पूरा करने के लिए यहाँ लेके आया। एक बार ये पूरी प्रॉपर्टी हमारे हाथ में आ जाए, डैड आर्यमन को घर से बाहर निकाल दे, फिर मैं भी उस मोहिनी को वो क्या कहते हैं दूध में से मक्खी निकाल कर बाहर फेंकना। राइट, बस एक बार मोहिनी के माँ बनने का जो कार्ड खेला हमने उसका फायदा उठाकर आर्यमन से मोहिनी के नाम सारी प्रॉपर्टी करवा लें। और अगर बाद में मोहिनी ने आर्यमन की वो प्रॉपर्टी तुझे देने से मना कर दिया तो? नहीं करेगी मॉम, वो पूरी तरह से मेरे हाथ में है। ठीक है, इफ यू आर दैट कॉन्फिडेंट, पर ध्यान रहे ये प्रॉपर्टी सूखी रेत की तरह हमारे हाथ से कहीं फिसल के निकल ना जाए। सिद्धार्थ, आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये मोहिनी तेरे साथ घर घर खेलने के सपने देख रही है। हाँ, लेकिन हर किसी का सपना पूरा हो ये जरूरी तो नहीं है ना मॉम। मेरा सामान, अब से हर पल मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। क्यों? लेकिन मैंने हमेशा से सोचा था कि जब मैं प्रेग्नेंट होंगी तो अपने बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, पर शायद वो खुशी मेरी किस्मत में ही नहीं है, इसलिए मैंने तय किया कि तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखने की जिम्मेदारी मेरी है। डॉक्टर ने तो तुम्हें बेड रेस्ट कराया ना, वैसे तो आर्यमन सर को तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए, पर फिलहाल अपनी जिंदगी के फैसले सही से नहीं ले पा रहे तो तुम्हारा ख्याल कैसे रखेंगे।
और अब तो तुम हमारे बीच में आ ही गए। मेरा मतलब है अब तुम जितने दिन भी यहाँ हो मैं हमेशा तुम्हारी परछाई बनकर रहूंगी, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। कृष्णा अगर इतनी चिपको रही तो मैं सिद्धार्थ को कैसे मिलूंगी? मेघना सर इधर आओ। मेघना तुम थोड़ी देर के लिए मोहिनी के साथ रहोगी, मैं अपना सामान लेकर आती हूँ। वो क्या ना मोहिनी पे नजर रखना जरूरी है ताकि इसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो उसके आसपास कोई ना कोई रहे उसे लाने के लिए। अब आप मेघना को क्यों तकलीफ दे रही है? मैं अपना ख्याल रख लूंगी। नहीं जब तक मैं तुम्हें ठीक नहीं कर देती, मतलब तुम्हारी तबीयत को ठीक नहीं कर देती, तब तक हर पल तुम्हारे आसपास कोई ना कोई रहेगा।